दीक्षित महाराज ने कहा, मैं तो चाहे जितनी बार भगवान की कथा सुनूं, उसमें नित नया आनंद ही आता है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप विस्तार से, यह भी नहीं कहा कि ठीक है संक्षेप में सुना के खत्म कर दो, नहीं नहीं, विस्तार से भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनाइए ताकि मैं उनका आनंद ले सकूं। और यह बात सुनकर सुखदेव गोस्वामी के हृदय में बड़ा उत्साह का संचार होता है। जब वक्ता देखता है, पहले तो वक्ता कथा कहने के लिए या सामान्य रूप से भी सुनाने के लिए थोड़ा अन्य मनस्क सा हो सकता है, अरे ठीक है हम और काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वक्ता के हृदय में इच्छा नहीं है सुनाने की, वक्ता के हृदय में तो इच्छा है, लेकिन यह परीक्षण करना आवश्यक होता है कि क्या श्रोता के हृदय में भगवान की कथा को सुनने के लिए उत्कट भावना है कि नहीं। और जब कोई भक्त देखते हैं कि कोई अन्य भक्त बड़े भाव से, बड़ी उत्कंठा से भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, जब जिज्ञासा और प्रश्न प्रस्फुटित होते हैं, तो वक्ता के मुख से अमृत की धारा अपने आप निस्सृत होने लगती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के इस जिज्ञासा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, ठीक है अब मैं भगवान कृष्ण के जो चरित्र हैं उनको विस्तार से सुनाता हूँ। देखो इस दशम स्कंध में, इस दशम स्कंध के दो भाग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा यह दशम स्कंध है, तो एक तो पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध में भगवान की जो मथुरा वृंदावन की लीलाएं हैं उनका वर्णन है, गोकुल की, नंदगांव की, जो ब्रज क्षेत्र की लीलाएं हैं इनका वर्णन है, और उत्तरार्ध में भगवान के, जो भगवान पांडवों के साथ लीला करते हैं, द्वारिका गमन करते हैं, जब ब्रज से बाहर जाते हैं, वो सारी जो लीला है उसको उत्तरार्ध लीला कहा जाता है। तो दो भागों में यह विभाजित है। भगवान का जन्म कौन से महीने में होता है? भादव में, जिसे भाद्रपद भी कहते हैं। और किस महीने के बाद यह भाद्रपद मास आता है? श्रावण के महीने के बाद। यहाँ तो सभी विद्वान बैठे हैं तो कथा करने में भी आनंद आता है। तो श्रावण के बाद आता है भाद्रपद। इसका अर्थ क्या है? इसके पीछे भी रहस्य है। कहा इसका अर्थ यह है, श्रावण का अर्थ है कि पहले भगवान की कथा को श्रवण किया जाना चाहिए। जब हम सुनेंगे पहले ध्यान से, तब क्या होगा? भाद्रपद अर्थात भद्रता ही भद्रता होगी। जब श्रवण करते हैं तब भाद्रपद मास आता है, श्रावण के बाद भाद्रपद। तो पहले भगवान की लीलाओं कथाओं को श्रवण करेंगे और उसके बाद भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय स्थली में होगा। तो यह अर्थ है श्रावण और भाद्रपद का। तो भाद्रपद मास में भगवान प्रकट होते हैं, और जहाँ भी जब भी भगवान का प्राकट्य होता है वहाँ पर भद्रता छा जाती है, अर्थात आनंद ही आनंद होता है। फिर वहाँ पर कोई विघ्न नहीं होता, फिर वहाँ पे किसी प्रकार की अमंगलता नहीं होती, वहाँ पे सब कुछ मंगलमय हो जाता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान जब प्रकट होते हैं या हम कहते हैं कि भगवान का जन्म होता है, तो जैसा कल भी थोड़ा वर्णन किया था कि भगवान के जन्म लेने में और हमारे जन्म लेने में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कहा एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, भगवान के इस जगत में आने में और हमारे इस जगत में आने में कैसा अंतर है। तो कहा, मान लीजिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है 15 मंजिल की, और उस बिल्डिंग पर 15वीं मंजिल पर कोई व्यक्ति रहता है, दो दोस्त रहते हैं, दो मित्र रहते हैं, छत पर जाकर खड़े हो गए। एक मित्र ने दूसरे मित्र को कहा कि तुम नीचे चले जाओ, थोड़ा काम है। मित्र ने कहा, अरे अभी मुझे नहीं जाना है। तो दूसरे मित्र ने क्या किया कि सोचा कहां सीढ़ी उतर कर जाएगा, धक्का दे दिया 15 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर से,
और वो नीचे गिरा तो उसकी अवस्था क्या होगी, क्या होगी? हाथ पैर टूट जाएंगे और फिर वो किसी काम का तो बचेगा नहीं, तो उसकी अवस्था खराब हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा मित्र है उसको भी नीचे काम है और वो कूद कर नहीं आता लेकिन लिफ्ट से या सीढ़ी से नीचे उतर कर आता है, तो क्या उसके भी हाथ पांव टूट जाएंगे? क्या टूटेंगे? नहीं। क्यों? पहली बात तो वो अपनी इच्छा से नीचे उतर कर आया है, उसको जबरदस्ती धक्का नहीं दिया गया। यही स्थिति भगवान के इस जगत में आने में और हमारे इस जगत में आने में है। हम सभी इस भौतिक कष्टमय दुखालय जगत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन इस मृत्यु लोक में हमारे विगत पाप कर्मों के कारण हमें भेजा गया है और हमें आना पड़ा है। इस कारण से हमारी स्थिति बड़ी गड़बड़ है और बहुत खराब है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, दुविधाएं हैं, संकट हैं, विपत्तियां हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं, इस संसार में आते हैं, भूमंडल में आते हैं, तो उनको किसी ने धक्का मारकर यहाँ भेजा नहीं है। वे तो अपनी इच्छा से हम जीवों के कल्याण के लिए, हमें अपने पास वापस बुलाने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए वे भगवान आते हैं। तो क्योंकि वे अपनी इच्छा से उतर कर आते हैं, इस कारण भगवान के जन्म लेने को हम अवतार कहते हैं। संस्कृत में उतरने को अवतार कहा जाता है। तो भगवान का अवतार होता है, अथवा कह सकते हैं कि भगवान तो पहले से ही सर्वत्र हैं, केवल दिखते नहीं हैं। और जब दिखने लगते हैं तो हम कहते हैं भगवान प्रकट हो गए। जैसे क्या सूर्य का प्रतिदिन जन्म होता है, सूर्यदेव मृत्यु को प्राप्त होते हैं? कहा नहीं, ये तो वहीं आकाश में स्थित हैं, उनका तो केवल प्राकट्य होता है और लोप हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य होता है, संतों का प्राकट्य होता है, भगवत भक्तों का, महात्माओं का, श्रेष्ठ पुरुषों का प्राकट्य होता है और हमारा हमारा जन्म होता है। इस संसारती के चक्र में हमें डाला जाता है। तो यह भेद है भगवान के आने में और हमारे आने में। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात है, गीता में 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे तु सुर्जना। यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म, भगवान जिस प्रकार से अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं उसको, और भगवान की जो लीलाएं हैं उनको समझ लेता है, तो उस व्यक्ति को पुनः इस संसार के चक्र में घूमना नहीं पड़ता, इस संसार के चक्र में फंसना नहीं पड़ता। वह विमुक्त होकर भगवत धाम को गमन करता है और आनंदमय स्थिति में स्थित हो जाता है। आगे श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने के कई उद्देश्य हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे भगवान क्यों आते हैं, बताइए। असुरों का नाश करने के लिए, और जोर से बोलिएगा, यहां तक आवाज तो आए। धर्म की स्थापना करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए और असुरों का नाश करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, इस प्रकार से कई प्रयोजन हैं भगवान के प्रकट होने के लिए। लेकिन एक बात बताइए, यदि असुरों का ही विनाश करना है तो क्या भगवान अपने किसी अन्य भक्त पार्षद को नहीं भेज सकते कि जाओ जाकर इनका वध करो? भीमसेन को भेज दें, अर्जुन को भेज दें, भीमसेन तो अकेले ही काफी है सारे असुरों को मारने के लिए। यदि रावण का ही वध करने के लिए भगवान प्रकट हुए तो क्या हनुमान जी में सामर्थ्य नहीं थी? हनुमान जी चाहते तो रावण का वध कर देते। वो तो क्योंकि रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं थी इसलिए नहीं मारा।
तो भगवान अपनी शक्ति को स्थापित करके किसी भक्त पार्षद को भेज देते। तो कहा कि इसलिए तो भगवान का अवतार नहीं हुआ। ये बात तो सही है कि भगवान आए तो भगवान ने असुरों का भी वध कर दिया, लेकिन ये प्रयोजन था तो नहीं, ये प्रयोजन तो नहीं था। तब कहा नहीं नहीं, भगवान तो साधुओं की रक्षा के लिए आए। अच्छा, साधुओं की रक्षा के लिए आए, तो साधुओं की रक्षा तो भगवान पृथु महाराज के रूप में अवतार ले लेते, शक्त्यावेश अवतार के रूप में, अथवा अपने किसी भक्त पार्षद को भेज देते कि जाओ इनकी रक्षा करो, राजा बना देते किसी भक्त को कि प्रजा की रक्षा करना, साधुओं की रक्षा करना। तो इसके लिए भी भगवान का प्राकट्य नहीं होता। फिर कहा नहीं नहीं, भगवान तो धर्म की संस्थापना के लिए आए। ये बात ठीक है ना, धर्म की संस्थापना के लिए। कहा यदि धर्म की ही संस्थापना करनी होती तो जैसे मध्वाचार्य जी को भेजा, विष्णु स्वामी को भेजा, रामानुजाचार्य जी को भेजा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद को भेजा, इनमें से किसी एक को भेजने मात्र से सारे विश्व में धर्म की संस्थापना हो जाती है, तो यह भी मुख्य प्रयोजन तो नहीं है। तब कहा फिर मुख्य प्रयोजन क्या है? असुरों को मारना नहीं, धर्म की संस्थापना नहीं, तो गीता में तो भगवान यही कहते हैं। कहा हाँ, ये भी प्रयोजन है लेकिन मुख्य नहीं है। फिर मुख्य प्रयोजन क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो भगवान की प्राप्ति ही करना है तो कोई संत को भेज देते, वे समझाते और साधन में हम लग जाते, भगवान की प्राप्ति हो जाती। लेकिन बहुत कुछ पास है, बात यही है भगवान आते क्यों हैं? तो कहा कि भगवान इसलिए आते हैं कि जब वे इस पृथ्वी पर आएंगे और वे लीला करेंगे, और जब भक्त उन लीलाओं को देखेंगे, कुछ भक्त उन लीलाओं में सम्मिलित होंगे, कुछ उस समय पर पृथ्वी पर विराजमान होंगे, कुछ उन लीलाओं के बाद जन्म लेंगे जैसे हम सभी लोग, और बैठकर उनकी कथा कीर्तन करेंगे, और जब कोई कथा कहेगा और बाकी भक्त कथा सुनेंगे तो कथा करने से सुनने से सभी का कल्याण होगा। इस कारण भगवान का अवतार होता है, क्योंकि केवल लीला कथा के माध्यम से जब भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तब जीव का चित्त हृदय पवित्र होता है, शुद्ध होता है, कलमश रहित होता है, और वह जीव भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो यह प्रयोजन है भगवान के इस संसार में प्रकट होने के लिए। और जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के, इससे भी सुंदर प्रयोजन यह है कि भगवान असुरों को तो वध कर सकते हैं अपने संकल्प मात्र से। इसी असुर को मारना है, भगवान संकल्प कर ले कि यह मर जाए तो क्या वो जीवित रह सकता है? कुछ भी उद्देश्य हो सकता है, कुछ भी भगवान कर सकते हैं, कुछ नहीं तो उसको हार्ट अटैक दे सकते हैं, कोई बीमारी कर सकते हैं, भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, तो यह प्रयोजन नहीं है। कहा लेकिन जो प्रेमी भक्त हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो सबरी मैया प्रतीक्षा कर रही हैं कि मेरे राम आएंगे और मैं उन श्री रामचंद्र को भोग धराऊंगी, उनका स्वागत करूंगी, यदि भगवान प्रकट न हो तो उन सबरी मैया का क्या होगा? यदि भगवान प्रकट न हो तो उन यशोदा मैया और नंदे बाबा का क्या होगा, जो आस लगाए बैठे हैं कि हमारे लाला का जन्म होगा तब हम खूब दूध दही माखन खिलाएंगे, उन भक्तों का क्या होगा जो कुबड़ी मैया प्रतीक्षा कर रही है मथुरा में कि कब मेरे स्वामी आएंगे? इन प्रेमी भक्तों के उद्धार के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दंडकारण्य में जो ऋषि जन हैं, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब वनवास होगा, कब श्री रामचंद्र हमारे मध्य आएंगे, विभीषण जी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तो जैसे तैसे इस लंका में अपना निर्वाह कर रहा हूँ, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है इस प्रकार से मैं रह रहा हूँ, कब श्री रामचंद्र आएंगे और मेरा कल्याण होगा। द्वारिकावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हमारे भगवान आएंगे, मथुरावासी प्रतीक्षा कर रहे हैं,
वसुदेव देवकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब इस कंस के अत्याचार से हम मुक्त होंगे। इन भक्तों के लिए जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कल आपने कथा श्रवण की ही थी, किस प्रकार कंस अपनी बहन देवकी और जामाता वसुदेव महाराज को जेल में बंदी बना देता है, भगवान का प्राकट्य होता है और तब वसुदेव महाराज भगवान कृष्ण को मथुरा से लेकर, कंस की जेल से लेकर भगवान का प्राकट्य होता है। जितने कंस के सैनिक थे आधी रात में अपने आप सो जाते हैं, ऐसा नहीं था कि वे आलसी थे, सजग नहीं थे, नहीं नहीं, वे पूर्ण सजग थे, लेकिन योग माया के कारण वे सभी योग निद्रा में चले जाते हैं, सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, जितने ताले थे वे टूट जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जब भगवान का प्राकट्य हमारे हृदय में होता है तो कैसी भी कठोर से कठोर बेड़ी हो या कोई बंधन हो जिसमें हम बंधे हुए हों, लेकिन भगवान के प्रकट होते ही वह अंधकार रूपी सारी बेड़ियां अपने आप खुल जाती हैं, वे सारे ताले अपने आप टूट जाते हैं और तब वसुदेव जी भगवान को लेकर ब्रज की ओर, गोकुल की ओर गमन करते हैं और वहां पर नंद महाराज के यहाँ जिन बालिका का जन्म हुआ था, भागवत में वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में होते हैं तब वे योग माया को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे योग माया, तुम मेरी छोटी बहन बनकर, मेरी अनुजा बनकर पृथ्वी पर नंद बाबा के यहाँ पर प्रकट हो। योग माया ने हाथ जोड़ के कहा ठीक है प्रभु, और तब भगवान ने वरदान दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मेरी लीला में सहयोग कर रही हो, इसलिए तुम्हें वरदान है कि पृथ्वी पर अलग अलग नामों से तुम पूजी जाओगी, कहीं पर चंद्रघंटा, कहीं पर दुर्गा, कहीं पर कात्यायनी, माधवी, नारायणी, इस प्रकार से अलग अलग नामों से तुम्हारी पूजा होगी, विंध्याचल में अलग अलग पर्वतों पर तुम्हें पूजा जाएगा। और भगवान ने यह वरदान दिया। अब छोटी बहन बनकर नंद महाराज के घर यशोदा मैया के गर्भ से योग माया प्रकट होती है। वसुदेव महाराज भगवान कृष्ण को तो वहां स्थापित कर देते हैं जहां पर योग माया थी और उन योग माया को उठाकर मथुरा की ओर आने लगते हैं। मथुरा की ओर आते हैं, जैसे ही योग माया को लेकर अंदर प्रवेश करते हैं, सारे ताले अपने आप बंद हो जाते हैं, द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं और योग माया तो लीला ही करने आई थी, अंदर प्रवेश करते ही जोर जोर से रोने लगी। जब रोने की आवाज आई तो सैनिक उठे घबरा कर, कंस तो रात भर सो नहीं पाया था कि जो बालक मुझे मारने वाला है उसका जन्म पता नहीं कब हो जाए, देवकी का आठवां गर्भ है। कंस बड़ा भयभीत है, कंस बार बार आता है सैनिकों से पूछने, क्या किसी बालक ने जन्म लिया, क्या किसी बालक ने जन्म लिया। तब जब रोने की आवाज आई, कंस दौड़ा दौड़ा आया और देखा तो पुत्र के स्थान पर पुत्री का जन्म हुआ है। कंस ने पुत्री को अपनी गोद में उठाया और देखने लगा कि आकाशवाणी तो हुई थी कि मेरी मृत्यु का कारण देवकी का आठवां गर्भ होगा, यह तो नहीं कहा था कि पुत्री होगी, भला ये पुत्री मुझे कैसे मार सकती है। लेकिन कंस ने कहा विष्णु बड़ा छलिया है, कपटी है, किसी भी रूप में आ सकता है, इस कन्या को भी मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले भी तो एक बार मोहिनी रूप धारण कर लिया था, हो सकता है फिर से इसने किसी स्त्री का रूप धारण कर लिया हो, कन्या के रूप में आ गया हो। कंस ने उस बालिका को उठाया और अन्य बालकों के भांति जैसे ही उसको मारने का प्रयास करने ही वाला था, इतने में तो कंस के हाथ से झटक कर वह देवी आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लेती है और कंस से कहती है, रे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने तो पहले ही जन्म ले लिया है और वह तो अपनी लीला भी प्रारंभ कर चुके हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो कंस ने सुना, हे राम ये देवी कौन थी, और ऐसे कह के गई है, अब तो कंस बड़ा घबरा गया। कंस
बड़ा घबराया हुआ डरा हुआ अपने महल में आता है, चुपचाप बैठ जाता है। जितने सैनिक हैं चाणूर मुष्टिक आदि कहते हैं, महाराज क्या हुआ, आपने उस बालिका को मारा नहीं? अरे जैसे ही मैं मारने के लिए उद्यत हुआ कि वह बालिका तो मेरे हाथ से झटक कर निकल गई, और वह कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह तो महामाया दुर्गा थी, जगत जननी भवानी थी। अच्छा अब तो कंस बहुत डर गया, तुरंत वसुदेव देवकी को जेल से निकाल दिया, क्योंकि अब भय है कि इनकी पुत्री के रूप में उन देवी का प्राकट्य हुआ है। डर के कारण सारे बंधन तोड़ दिए, वसुदेव देवकी को बड़ा आदर देकर उसने मुक्त किया। चाणूर मुष्टिक ने सोचा, देखिए संगति बहुत आवश्यक होती है, कंस ने थोड़े समय देवी का संग किया तो सुधर गया, देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके इतने पुत्रों का वध किया है, मुझसे बहुत पाप बना है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं चाहे जितने प्रायश्चित करूं ये पाप नष्ट नहीं हो सकता, इस प्रकार से भागवत में वर्णन है। लेकिन जैसे ही कंस पुनः अपनी मित्र मंडली में असुर मंडली में गया, चाणूर मुष्टिक ने कहा, महाराज आप हार मान गए? अरे उस देवी ने कहा था ना कि आपको मारने वाले ने अन्यत्र किसी क्षेत्र में जन्म ले लिया। देखिए महाराज, जो भी वो बालक होगा अभी ब्रज की सीमा से बाहर तो नहीं गया होगा, कहीं ना कहीं ब्रज की सीमा में ही होगा। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम अपने सैनिकों को भेजते हैं, वे जाएंगे और ब्रज मंडल में जितने भी 10-15 दिन के बालक हैं उन सभी का हम वध कर देते हैं। उन बालकों में कोई देवकी नंदन भी होगा, देवकी का पुत्र भी होगा, वह भी मारा जाएगा। अब कंस की बुद्धि फिर पलट गई, कंस ने कहा ठीक है तुम भेजो सैनिकों को, जितने छोटे बालक हैं उन सभी का वध करवा दो। बड़ा क्रूर दुष्ट यह कंस है। मंत्रियों ने भेजा सैनिकों को, सैनिक गए, लेकिन कंस को अब भी संतोष नहीं हुआ। कंस ने दूसरे सैनिकों को बुलाया, कहा 10-15 दिन के नहीं 30 दिन तक के, 1 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। कहा ठीक है महाराज। अब यहाँ कंस योजना बना रहा है कि ब्रज में जितने बालक हैं उनको कैसे मारे, कौन वह बालक है। अब तो कंस को और अधिक भय है कि मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया, इतने बालकों को मारा फिर भी उसका जन्म हो गया, और अब बड़ी चिंता में है, चिंताग्रस्त है। यहाँ तो मथुरा में कंस बड़ा चिंतातुर है, लेकिन ब्रज में गोकुल में बड़ा आनंद छाया है, क्योंकि नंद महाराज के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ बड़ी आयु में, युवावस्था में भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। जब नंद महाराज यशोदा मैया वृद्ध हो गए तब उनके घर लाला का जन्म हुआ, तो कहा भगवान ने इतनी देर क्यों लगा दी, पहले ही आ जाते। वृद्धावस्था में जब नंद महाराज बूढ़े हो गए तब भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट हुए, तो कहा बुढ़ापे की जो संतान होती है वह बड़ी प्रिय होती है, और भगवान ये तो चाहते हैं कि सब मुझे प्रेम करे, लेकिन और अधिक हर्ष की बात हो यदि खूब प्रेम करे। तो भगवान श्री कृष्ण तो सामान्य प्रेम नहीं, अतिशय प्रेम अपने भक्तों से चाहते हैं, इसलिए थोड़ा समय होने देते हैं और फिर भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य आनंद महाराज के यहाँ पर होता है। गोकुल में जैसे ही भोर होती है, भगवान तो आधी रात में प्रकट हुए, जैसे ही सुबह हुई नंद महाराज की बहन सुनंदा ने देख लिया, अरे यशोदा के पास तो लाला सो रहा है। अरे तब तो पूरे ब्रज में समाचार फैल गया, मेरे भैया के घर लाला भयो है, लाला भयो है, सारा ब्रज इकट्ठा हो गया। यशोदा मैया को आवाज आई, क्या इतना शोर शराबा हो रहा है। यशोदा मैया ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि उनके अंक में भगवान विराजमान है, भगवान सोए हुए हैं। तब तो बड़ा हर्ष हुआ और संपूर्ण ब्रज मंडल में जितनी बड़ी बड़ी गोपियां हैं सब भेंट लेकर बधाई देने के लिए माता यशोदा के घर, नंदरानी के घर आती है। आइए हम भी भगवान के प्राकट्य उत्सव को, नंद उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, फिर भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण पान करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो नंद बाबा के यहाँ किसका जन्म हुआ है? आनंद का जन्म हुआ है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, नंदस्मात्मज उत्पन्ने जाता लादव महामनः। नंद महाराज के घर बालक का जन्म नहीं हुआ, नंद महाराज के घर और किसी का जन्म नहीं, बल्कि साक्षात आह्लाद का, आनंद का आज जन्म हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यदि आनंद हमारे जीवन में चाहिए तो कृष्ण की शरण में जाना होगा, कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाना होगा, तभी हम आनंद से रह सकते हैं। क्योंकि आनंद कौन है? वह साक्षात कृष्ण आनंद है। भागवत में ये नहीं लिखा कि नंद महाराज के घर भगवान का जन्म हुआ, कि नंद महाराज के घर कृष्ण का जन्म हुआ, कि नंद महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। क्या कहा? कि नंद महाराज के घर, नंद बाबा के घर आह्लाद का, आनंद का आज जन्म हुआ है। नंद महल में ऐसा सुंदर उत्सव मनाया गया। नंद महाराज ब्रज के राजा हैं, उनके पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, न धन की न धान्य की, सोना चांदी हीरे मोती सब है उनके पास। और आज नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता लादव महामनः, जब से आनंद का जन्म और हो गया है, नंद महाराज तो मानो महामन बन गए हैं।